कनेडियन हुकूमत ने ये कहा है कि जी एक ग्लोबल इमरजेंसी हो सकती है एम पॉक्स या मंकी पॉक्स को लेकर। एम पॉक्स एक वायरस है जिसको पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था और ये 1970 में पहली बार इंसानों में डिस्कवर हुआ था। अफ्रीका के अंदर ही महदूद रहा है मगर हमने पाकिस्तान के अंदर भी इसके एग्जांपल्स देखे हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर टच करते हैं या पानी किसी उससे पीते हैं या आपका किसी जिस्मानी कोई और कॉन्टैक्ट होता है। आज और हमास की जो जंग छिड़ी हुई है इसके अंदर अब तहकीक वजाहत हो गई कि जी 40,000 से ज़ायद लोग अब फलस्तीनी गाज़ा में जा बहक हो चुके हैं। यूक्रेन के अंदर और रशिया के अंदर वहाँ पे यूक्रेन कह रहा है कि उसने कुर्स के अंदर एक बहुत बड़ा एक टाउन का कब्जा कर लिया है। क्या COVID-19 से ज्यादा खतरनाक एक और वायरस दुनिया में तबाही फैला सकता है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदे। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात कर रहे हैं हम एम पॉक्स या मंकी पॉक्स की, एक ऐसी डिजीज, एक ऐसा वायरस जो पहले भी वेव्स में आ चुका है मगर अब कनेडियन हुकूमत ने ये कहा है कि जी एक ग्लोबल इमरजेंसी हो सकती है एम पॉक्स या मंकी पॉक्स को लेकर। और ये यूनाइटेड नेशंस भी ये कह रहा है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये तस्दीक कर दी है कि जी एक ग्लोबल इमरजेंसी की तरफ ये सिचुएशन जा रही है। और अफ्रीका के अंदर स्पेशली अफ्रीकी ममालिक के अंदर ये चीज़ फैली है। क्या है एम पॉक्स? एम पॉक्स एक वायरस है, इसको पहले मंकी पॉक्स कहा जाता था और ये 1970 में पहली बार इंसानों में डिस्कवर हुआ था और ये ज़्यादातर, जैसे मैं जिक्र कर रहा था कि अफ्रीका के अंदर ही महदूद रहा है मगर हमने पाकिस्तान के अंदर भी इसके एग्जांपल्स देखे हैं। और एम पॉक्स से एक आपको हल्की सी बीमारी होती है और बेसिकली फोड़े आपके जिस्म के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं, मुंह के ऊपर, जिस्म के ऊपर, और वो फिर पस निकालते हैं और खून निकालते हैं बेसिकली। और कुछ अरसे बाद वो पस और खून निकलना शुरू हो जाता है और फिर आपके चेहरे के ऊपर, जिस्म के ऊपर निशान और दाग पड़ जाते हैं। और बेसिकली इसके बाद आपको बुखार भी हो सकता है, गले में दर्द भी हो सकता है, सर का दर्द, जोड़ों का दर्द, और बेसिकली आपके जो लिम्फ नोड्स हैं वो फूल सकते हैं। और किस तरह फैलता है ये? क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू अगर टच करते हैं हाउस होल्ड के अंदर या पानी किसी उससे पीते हैं या आपका किसी जिस्मानी कोई और कॉन्टैक्ट होता है। मगर अभी भी इसके जो ट्रांसमिशन पैटर्न है उसकी तहकीकात फ़िलहाल नहीं हो सकी, यानी फुल तहकीकात नहीं हो सकी, अभी भी डिस्कवरी चल रही है। मगर हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर कर दिया है कि एक इसको एज ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। और इसके भी डिफरेंट काइंड्स यानी म्यूटेट हो रही है ये, जिस तरह COVID-19 हमने देखा कि उसके डिफरेंट वेरिएंट्स आए, वो चीज़ चली कहाँ से और फिर वो जिस तरह ट्रांसमिशन होती रही उसी तरह वो जो वायरस था अपने आप को म्यूटेट करता रहा, अपने आप को और मुस्बत बनाता रहा और डिफरेंट वैक्सीन्स और उनकी वेरिएशंस आई और फिर कंट्रोल करना पड़ा। अब ये एमपॉक्स की जब बात की जा रही है तो एक ग्लोबल एमपॉक्स आउटब्रेक 2022 में भी हुआ था और उसका जो स्ट्रेन था वो था CLADE 2 यानी CLADE 2 करके, जो एक हल्के आसार बेसिकली पैदा करता है लोगों के अंदर और ज़्यादातर ये जिस्मानी कॉन्टैक्ट के थ्रू ही फैलता है। अच्छा, CLADE 1 जो है इसका एक और स्ट्रेन है, वो ज़्यादा ख़तरनाक स्ट्रेन कहा जाता है और बेसिकली एक कॉन्गो, अफ्रीका के अंदर जो कॉन्गो का एरिया है, कॉन्गो रिवर चलता है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी है, DRC उसे कहते हैं या DR कॉन्गो, या और जो कॉन्गो है बेसिकली कॉन्गो इटसेल्फ, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उस एरिया के अंदर ये बेसिकली सर्कुलेट करता और फैलता है। मगर ये जो CLADE 1 स्ट्रेन है इससे बहुत खतरात भी पैदा हो सकते हैं और बहुत डिजीज़ का जो मसला है इसके बाद लोग मर भी सकते हैं बेसिकली। अच्छा, 2023 के अंदर एक कनेडियन कॉन्गोलीज रिसर्च टीम ने अपनी पब्लिश की थी फाइंडिंग्स इसके ऊपर, एमपॉक्स वायरस के ऊपर, और बेसिकली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या जिस्मानी कॉन्टैक्ट के थ्रू ये चीज़ फैल रही थी। और अब एक नई
एक नई स्ट्रेन इसकी डिस्कवर हुई है और इसलिए शायद ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये एफिशिएंट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, जिस तरह कोविड 19 नहीं कर रहा था कि आपने कुछ टच किया या आपने छींक मारी या खांसी की तो उसके पार्टिकल जाके इन्फेक्ट कर रहे थे, और अब ये क्लेड 1B इसका स्ट्रेन नया आया है और ये दिखा रहा है कि जी सिर्फ ये जिस्मानी या जिनी ताल्लुकात से नहीं फैलता मगर हाथ लगाने से ही फैल सकता है और क्रॉस बॉर्डर जहाज़ पे ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं, और इसलिए अब अपना केसेस हम पाकिस्तान के अंदर भी KP के अंदर खबरें आ रही हैं कि जी 3 या 2 या 3 केसेस KP के अंदर भी इस नए स्ट्रेन के निकले हैं, और अब ये कहा जा रहा है और CDC ने भी इसकी शाय कर दी है कि जी तकरीबन 4% तक लोग जो इन्फेक्ट होते हैं इससे कांगो के अंदर उनका इंतकाल हो जाता है। तो अब ये एक खतरनाक तो है मगर जो स्मॉल पॉक्स के बाद हुआ था, ये स्मॉल पॉक्स मंकी पॉक्स उससे ही निकल रहा है बाय द वे, ये पॉक्स की फैमिलीज हैं और ये अफ्रीका के अंदर ओरिजिनेट करती हैं मगर स्मॉल पॉक्स से इससे कई ज़्यादा गुना उसकी डेडली उसकी स्प्रेड थी नस्बतन मंकी पॉक्स के। तो अपना ख्याल रखिएगा, मास्कअप अगर करना चाह रहे हैं मास्कअप का आप कर लें मगर मोहतात रहें क्योंकि ये चीज़ें कैसे फैलती हैं, कैसे आती हैं ऑब्वियसली, और कहाँ इसकी ट्रांसमिशन होती है। अभी हमने कोविड 19 के उससे रिकवर कर ही रहे हैं, आई डोंट थिंक रिकवरी हो रही है बट रिकवर कर ही रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके क्या आसार हो सकते हैं, आ सकते हैं। अच्छा, ये तो होगी हेल्थ इमरजेंसी, और हम याद रखें कि हेल्थ इमरजेंसी जो हुई थी कोविड ने, उसने निज़ाम को इतना डिस्ट्रप्ट किया इंटरनेशनल ग्लोबल ऑर्डर को कि इवेंचुअली जंगें भी हुई, यूक्रेन वॉर हुई, ट्रांसमिशन जो ग्लोबल आपकी लॉजिस्टिकल सप्लाई चेन थी वो डिस्ट्रप्ट हुई, तो उसके आसार आते रहे। और अभी हाल ही में तो नहीं, एक साल होने को आ रहा है जो गाजा और हमास की जो जंग छिड़ी हुई है इसके अंदर अब तहकीक वजाहत हो गई कि जी 40,000 से ज़ायद लोग अब फलस्तीनी गाजा में जाबहक हो चुके हैं, नंबर इससे कई ज़्यादा होगा। इसराइली कहते हैं ये एग्जैजरेटेड नंबर है, इन्फ्लेटेड नंबर है, मगर हकीकतन इससे कई ज़्यादा लोग या तो मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं, या डिजीज़ के थ्रू मर गए हैं, और या तो दफन हैं बिल्डिंग्स और मलबे के अंदर जो अभी तक चल रहा है। इसका शायद कोई हल निकल आए लग तो नहीं रहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि ट्रंप के आने से पहले कुछ होगा, मगर एक कोशिश ज़रूर जारी है और कतर के अंदर एक बार फिर एक कोशिश और एक पुश दी जा रही है कि इसराइली हमास इजिप्शियन सब लोग बैठ के, अमेरिकन सब बैठ के किसी एक पुश करें कि यार ये जो बर्बरियत चल रही है, जंग चल रही है, इसका इख्तिताम हो, किसी तरीके से इसे ख़त्म किया जाए। क्या ये हो पाएगा हमें नहीं पता। कतर के सक्सेस रेट्स ऑफकोर्स हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, 15 अगस्त अभी भी गुजरी है, मैंने उसके ऊपर शो भी किया अफगानिस्तान के ऊपर, तो एक्सपीरियंस अपनी जगह पे, मगर ये इसराइली और फलस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली अफगानिस्तान से कई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं और ऑब्वियसली कोई हल फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। और अब जंग जो चल रही है यूक्रेन के अंदर और रशिया के अंदर, वहाँ पे यूक्रेन कह रहा है कि उसने कुर्स के अंदर एक बहुत बड़ा एक टाउन का कब्जा कर लिया है, कुर्स रीजन के अंदर। कोई 2 हफ्ते होने को आ रहे हैं कि यूक्रेनियंस ने ये जंग छेड़ी हुई है रशिया के अंदर, और ज़ेलेंस्की ने भी अब कह दिया है, तस्दीक कर दी है कि बेसिकली और सुद्ज़ा का ये टाउन है, 5,000 लोगों की आबादी है और ये अब स्ट्रेटेजिक टाउन कहा जा रहा है और यूक्रेन ने अब इसके ऊपर जाके कब्जा कर लिया है सुद्ज़ा के ऊपर। तो बहुत एक शर्म का मुकाम है रशिया के लिए, मगर रशियंस बहुत पेशेंट हैं और जब वक्त आता है वो वार करने पे टाइम नहीं लगाते, वो अंदर तो आने दे रहे हैं, यानी जो रीच की के गार में अंदर तो आने दे रहे हैं, मगर क्या यूक्रेनियन निकल पाएंगे इस गार से, इस अंधेरे गार से, मुझे नहीं लगता। कि रशिया के पास बहुत पावर है, बहुत पेशेंस है, हाँ एम्बेरसिंग उनके लिए ज़रूर है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं इस वक्त के, वो गेंस भी कर रहे थे यूक्रेन के अंदर और अपनी ताकत का इजहार भी कर रहे थे, पैसे भी एक्यूमुलेट करा लिए थे उन्होंने, मगर ऑब्वियसली यूक्रेन को ही बहुत पैसे मिले हैं, इमदाद मिली है और इसीलिए उसने ये कार्रवाई अपनी जारी रखी हुई है।
वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स इन यूक्रेन, और शायद ट्रंप साहब जो धमकियां दे रहे थे यूक्रेन को, मे भी इतना शायद उसका असर ना पड़े, क्योंकि कमाला हैरिस का जो रीच है और जो मोमेंटम है उनके साथ अभी मौजूद है। यूक्रेन के साथ क्या होगा, या ये भी एक बात याद रखने की, अगस्त आ गया तो यानी सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर एंड नवंबर तक ये लड़ सकते हैं, तो 2 महीने इनके पास हैं, और उसके बाद ये पूरा एरिया बर्फ़ की तरह जम जाएगा। और एक बार जम गया और हवा चलेगी, क्योंकि प्लेन एरियाज है ना ये, और एक्सपीरियंस किया हुआ, तो आप चाहे जितने भी आपने मोटे कपड़े पहने हुए हों, जब हवा एक बार चलती है तो आपकी हड्डियों के अंदर ये चीज़ घुसती है बेसिकली। मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है महीनों का इस चीज़ को डील करते हुए। जनवरी के एंड 2022 से मैं वहाँ पे, सर्दियाँ मैंने सही हैं यूक्रेन की, और अप्रैल में जाके कहीं मौसम थोड़ा गर्म होना दोबारा शुरू होता है, मगर अभी तो ये टंड्रा पूरा हो जाएगा आपका नवंबर से लेके मार्च तक, फरवरी मार्च तक बहुत ठंड होगी वहाँ पे। खैर फिलहाल इतना ही, इंशाल्लाह आपके लिए और खबरें और डेवलपमेंट्स लेता आता रहूँगा मैं। अपना ख्याल रखिएगा, मोहतात रहिएगा, सिचुएशन जो पूरी दुनिया में चल रही है वो आपके सामने है, और उसका आसार पाकिस्तान में भी आ रहे हैं ऑब्वियसली, और पाकिस्तान में तो इंटरनेट थ्रॉटलिंग अब इतनी बुरी हो गई है, इसके बड़ी बात आपसे कर चुका हूँ। तो खैर फिलहाल इतना ही, अल्लाह हाफिज़, अगली बार तक।